इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के चैप्टर 9 को पढ़ने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर है और इसका टाइटल है मेडिवल पीरियड। हम लोग इस पूरे बुक में मेडिवल पीरियड के बारे में ही पढ़ेंगे और जितना सारा कुछ हमें पढ़ना है उसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है उसी के बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया कि हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसमें से जो सबसे पहला पार्ट है यानी कि एंशियंट पार्ट, उसको हम लोग क्लास 6 में ही पढ़ चुके हैं और हमें इसमें सेकंड पार्ट पढ़ना है यानी कि मेडिवल। यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री जनरली डिवाइडेड इंटू 3 पीरियड्स। 3 पीरियड में डिवाइड हम लोग करते हैं, हम लोग क्लास 6 में भी ये चीज़ पढ़े थे, द एंशियंट, द मेडिवल एंड द मॉडर्न। मॉडर्न हमें आगे पढ़ना है, एंशियंट हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 6 में और मेडिवल अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 में। इन क्लास 6 वी हैव स्टडीड अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री, हमने क्लास 6 में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लिया, द पीरियड फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू 7th century CE। प्री हिस्टोरिक टाइम से जब इंसान डेवलप होना स्टार्ट ही किया था उस समय से 700 CE तक का जो कुछ भी हिस्टोरी था हमने पढ़ लिया था। इन क्लास 7 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ मेडिवल पीरियड इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड। हम लोग मेडिवल पीरियड में हिस्ट्री और सिविलाइजेशन कैसा था लोगों का, ये सब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 में। वो इंडिया में कैसा था और वर्ल्ड में, इंडिया के आउटसाइड कैसा था, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। इन यूरोप द पीरियड फ्रॉम 5th to 15th century CE इज नोन एज मेडिवल पीरियड। यूरोप की अगर हम लोग देखें, हम लोग एशिया में रहते हैं लेकिन अगर हम लोग यूरोप की बात करें यूरोपियन हिस्ट्री के हिसाब से, तो 5th century से लेकर 15th century तक के पीरियड को मेडिवल पीरियड बोला जाता है। बट इंडिया में क्या होता है, इन इंडिया द पीरियड फ्रॉम 8th century to 18th century CE मार्क्स एज द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द मेडिवल पीरियड। ये इंडिया में अगर हम लोग मेडिवल पीरियड की बात करेंगे तो 8th century से स्टार्ट करेंगे और 18th century तक जाएंगे, इस पीरियड को हम लोग मेडिवल मानेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड सेवरल इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूरोप, अमेरिका एंड एशिया। और इस पीरियड में बहुत सारा चेंजेस हुआ, चाहे वो सोशल फील्ड में हो, इकोनॉमिक फील्ड में हो, पॉलिटिकल चेंजेस हो, हर फील्ड में बदलाव हुआ, एशिया में भी, यूरोप में भी और अमेरिका में भी। दो इन द एंशियंट पीरियड इंडियन कल्चर हैज़ रिमेंड अलूफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। एंशियंट टाइम में अगर हम लोग देखें तो इंडिया का कल्चर बाहर के देशों के इन्फ्लुएंस में नहीं आया था, उसके हिसाब से उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया था। बट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इंडियन कल्चर वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई द चेंजेस डेट टुक प्लेस इन अदर कंट्रीज। लेकिन मेडिवल के समय में, मेडिवल पीरियड में, इंडिया का कल्चर जो था बाकी के देशों के कल्चर के इन्फ्लुएंस में आ गया था, यानी कि उसके हिसाब से इंडिया के लोग भी अडॉप्ट करने लगे थे बाहर के देशों के कल्चर को। दीज इन्फ्लुएंसेस आर एविडेंट इन द कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, लैंग्वेज एंड रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ पीपल इवन टुडे। और आज भी जो कुछ मेडिवल के समय में लोगों ने अडॉप्ट किया था बाहर के देशों से, आज भी हमें देखने को मिलता है अपने सोसाइटी में। अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमें हिस्ट्री में जितना सारा चैप्टर इसमें दिया गया है क्लास 7 में, उसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है उसी के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। यहाँ पर लिखा है द मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ मेडिवल पीरियड आर लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। दो मेन सोर्स होता ही है, एक लिटरेचर यानी कि अगर पुराना कोई बुक है तो उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिला, या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, अगर कोई खुदाई में अगर कुछ मिल गया तो वो एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस वर्क, या तो रिलीजियस वर्क, अगर कोई धार्मिक ग्रंथ मिल गया पुराना तो उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, एंड कमेंट्रीज बेस्ड ऑन पुराण्स, स्मृति एट्सेट्रा। कमेंट्री का मतलब होता है अगर किसी राजा के बारे में अगर कोई राइटर लिखता है, कमेंट करता है, कुछ बुक बना देता है, तो उसको हम लोग कमेंट्रीज बोलते हैं। तो ये सब सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारा रहेगा आने वाले चैप्टर्स में। वी गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंडीशन ऑफ दैट पीरियड फ्रॉम नॉन रिलीजियस वर्क्स। और उस समय का सोशल, इकोनॉमिक और मिलिट्री कंडीशन कैसा था, इन सारे इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें नॉन रिलीजियस वर्क से मिलते हैं, यानी कि ऐसे बुक जो कि धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई बुक मेडिसिन पे बना है तो उससे हमें ये सारा इन्फॉर्मेशन मिला है। उसके बाद अगर कोई बुक एस्ट्रोनॉमी पे है, या कोई बुक अगर ड्रामा का है, स्टोरी बुक, या कोई बाकी का लिटरेचर है, तो वो सबसे हमें ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। उसके अलावा द ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब मैंने बताया था, अगर कोई इंसान अपने बारे में ही अगर कोई बुक लिखे तो उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी, उसके बाद ऑर्डर्स ऑफ रूलर्स एंड लेटर्स रिटन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड।
मतलब जितने सारे ऑटोबायोग्राफी उस समय लिखे गए। उसके बाद ऑर्डर्स ऑफ द रूलर, अगर कोई राजा ऑर्डर देता था तो रिटन में देता था। उसके अलावा लेटर्स रिटन ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस समय अगर कोई चिट्ठी लिखा जाता था तो वो सब भी मिला है, उससे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये सब सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल पृथ्वीराज रासो एक बुक का नाम है, रिटन बाय चंद्रभट्ट दाई थ्रोज लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लाइफ ऑफ द पीपल इन नॉर्थ इंडिया। उस समय नॉर्थ इंडिया में लोगों का लाइफ कैसा हुआ करता था उसके बारे में हमें पता चलता है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के समय में लोगों का सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक उस समय कैसा था, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही अच्छे राजा थे, उनके बारे में अगर कोई चैप्टर होगा तो हम लोग जानेंगे उनका स्टोरी। मुस्लिम रूलर्स इनकरेज द राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट्स, हिस्टोरिकल अकाउंट का मतलब कोई भी बुक हो गया, चाहे वो बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी, तो वो लोग भी इनकरेज करते थे इसको लिखने को। द वेल नोन वर्क्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड आर, यहाँ पे कुछ बुक्स का नाम दिया गया है जो कि मेडिवल पीरियड में लिखा गया था। एक है तहकीक ए हिंद, इसको किसने लिखा था, अल बिरूनी ने, ये सब याद रखने वाला चीज़ है। उसके बाद एन ए अकबरी अबू फजल ने लिखा था एटसेट्रा, विच आर रिटन मेनली इन पर्सियन, और ये पर्सियन लैंग्वेज में दोनों बुक जो अभी मैंने बताया इसको लिखा गया था। द ट्रैवल अकाउंट ऑफ फॉरेन विजिटर, अब जैसे कोई बाहर से विदेशी आया तो पहले तो ब्लॉग नहीं बनाता था, पहले बुक लिखता था वो लोग, तो उसको हम लोग ट्रैवल अकाउंट बोलते हैं। लाइक इब्न बतूता, मार्को पोलो एंड बर्नियर, ये कुछ फॉरेन ट्रैवलर आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट टाइम, और ये सब भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि उस समय क्या क्या हुआ था मेडिवल पीरियड में। द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज पॉपुलैरिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर, और इस समय यानी कि मेडिवल पीरियड में पेपर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया गया था। विच इनकरेज द राइटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, और जिसके कारण लोग रिकॉर्ड्स लिखने में ज़्यादा रुचि दिखाने लगे थे। रूलर्स टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज कलेक्टेड दोज मैन्युस्क्रिप्ट्स विच आर मेजर सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड, और उस समय के जितने सारे राजा हुआ करते थे, जितने सारे मंदिर थे, वो इन सारे रिटन रिकॉर्ड्स यानी जिसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं उसको कलेक्ट करके रखा करते थे वो लोग। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ डैट पीरियड एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस, और जितने सारे रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं, अलग अलग जगह से मिले होंगे तो अलग अलग लैंग्वेज भी होगा उनका। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव अंडरगोन अ वेरियस चेंजेस इन ग्रामर वोकैबलरी एंड मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, और समय के साथ जैसे कि मान लो स्टार्टिंग के मेडिवल पीरियड में अगर कोई बुक मिला और एंड मेडिवल पीरियड में अगर कोई बुक मिला और अगर दोनों में सेम लैंग्वेज में कुछ लिखा गया है तो दोनों को एनालाइज करने के बाद पता चला कि समय के साथ साथ ग्रामर में भी बहुत सारा चेंज हुआ है, वर्ड सिलेक्शन में भी बहुत सारा चेंज हुआ है, तो ये सब हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। उसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है, लिखा है फॉर एग्ज़ाम्पल द वर्ड हिंदुस्तान रेफर्ड बाई सम पीपल एज अ प्लेस वेयर हिंदूज लिव, हिंदुस्तान का मतलब क्या माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि ऐसा जगह जहाँ पर हिंदूज रहते हैं। But today many people take an exception of the word and want to refer it as India. लेकिन उस word का meaning वो नहीं मानते हैं बहुत सारे लोग, उसका meaning सिर्फ India मानते हैं। तो ये changes कैसे आया, समय के साथ changes आया, वही चीज़ हमें देखने को मिलता है। According to our constitution, the name of our country is India, that is भारत, हमारे country का नाम क्या है, India है हमारे संविधान के हिसाब से, और इसको हम लोग भारत भी बोलते हैं। Hence, terms that are used in different contexts at different times take into account the cultural, social and political condition. और इसीलिए एक वर्ड का जो अलग अलग मीनिंग होता है उसको समझने के लिए हमें उस समय का कल्चर, उस समय का सोशल कंडीशन और उस समय का पॉलिटिकल कंडीशन को भी कंसिडर करना होगा, तभी हम उस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग समझ पाएंगे कि उस समय उस वर्ड का क्या मीनिंग लिखा गया था जो भी बुक हमें मिला है उसमें। आगे यहाँ पे डू यू नो में हमें बताया गया है कि जितना सारा रिकॉर्ड्स हमें मिला है, जितना सारा मैन्युस्क्रिप्ट, जितना सारा बुक्स वगैरह मिला है, उसको कहाँ पे रखा जाता है। लिखा है द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट कीप ऑल रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट इन द आर्काइव्स, उसको आर्काइव्स में रखा जाता है। द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, और नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया कहाँ पे है, दिल्ली में लोकेटेड है। अब आते हैं लास्ट पैराग्राफ पे, यहाँ पे लिखा है द मैन्युस्क्रिप्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द हिस्टोरियंस, मैन्युस्क्रिप्ट से भले ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हिस्टोरियंस को मिलता है लेकिन येट द फास्ट पेस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड मेक्स देयर जॉब क्वाइट टफ, लेकिन उस समय इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था उसको एनालाइज करना, उसको समझना बहुत टफ हो जाता है हिस्टोरियन के लिए। द मूवमेंट ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी रिजल्टेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडिया रिगार्डिंग एग्रीकल्चर वेविंग फूड एटसेट्रा,
जितने सारे आइडियाज़ हैं फूड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें एक्सचेंज होने लगा लोगों का, जब लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव होने लगा। मेनी रैंक्स एंड डिफ्रेंशिएशन इमर्ज इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में अलग अलग रैंक के लोग होने लगे। रैंक कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था पिछले क्लास में ही, क्लास सिक्स में, अलग अलग रैंक के लोग हमारे सोसाइटी में होते हैं। कोई मुखिया होता है, कोई सरपंच होता है, उसी तरह शहर में भी मेयर होता है, तो ये सब अलग अलग रैंक है। उस समय भी अलग अलग रैंक बनने लगा लोगों का। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाइक पर्शियन व्हील, स्पिनिंग व्हील एट्सेट्रा। और मेडिवल पीरियड में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुआ था, और उस समय पर्शियन व्हील भी बनाया गया था लोगों के द्वारा, और स्पिनिंग व्हील भी बना लिया गया था। पर्शियन व्हील से क्या होता है कि हम लोग पानी को एक हाइट तक लेके जा सकते हैं, पानी को नीचे से ऊपर तक लेके जा सकते हैं। और स्पिनिंग व्हील तो पता ही होगा, जो गांधी जी चलाते थे कपड़ा बनाने के लिए। आगे यहाँ पे लिखा है, एक्सकेवेशन ऑफ मेडिवल टाउन्स, सराय एंड विलेजेस अलोंग विथ पेंटिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर, क्वाइन एंड इंस्क्रिप्शन ऑल्सो गिव अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। और जब खुदाई होता है, आर्कियोलॉजिस्ट जब खुदाई करते हैं, तो बहुत सारे टाउन्स मिलते हैं, बहुत सारे सराय मिलते हैं। हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो उससे सबसे ज़्यादा मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमें खुदाई से ही मिला था इंडस वैली के बारे में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, उस समय का मॉन्यूमेंट्स, उस समय का स्कल्पचर, उस समय का क्वाइन, ये सारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। लेट अस हैव अ क्लोज लुक एट इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इन फॉलोइंग चैप्टर्स, और हम इंडिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड में क्या क्या हुआ था आने वाले चैप्टर्स में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे कीवर्ड्स है और कुछ क्वेश्चन आंसर गिवन है, जिसको हम लोग आने वाले वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप जितना कुछ मैंने समझाया इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।